दुनिया में बहुत ही रोमांचक जगह है जहाँ लोग अक्सर घूमने का प्लान बनाते हैं। हम आपको ऐसे ही कुछ रोमांचक और खतरनाक जगहों से रूबरू कराएंगे जहाँ आपकी एक छोटी सी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। तो शुरुआत करते हैं नंबर एक से। नंबर एक, माउंट हुआसन चाइना। यह पहाड़ी चाइना में स्थित है जो कि सियान से 120 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यह पहाड़ चीन के 5 सबसे बड़े पहाड़ों में से एक है। माउंट हुआसन में आसमान को छूते पहाड़ और गहरी खाई इस जगह के रोमांच को ज्यादा बढ़ा देती है। यहाँ लकड़ी के टुकड़ों पर ट्रैकिंग करने का अलग ही मजा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए गहरी खाइयों, टेढ़े मेढ़े रास्तों और ऊंची ऊंची सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर दो, ट्रोलटुंगा नॉर्वे। ट्रोलटुंगा में नॉर्वे की दुनिया की सबसे खूबसूरत चट्टान है। यहाँ पत्थर का एक टुकड़ा 700 मीटर की ऊंचाई पर लटका है जो लोगों को खूब आकर्षित करता है। इस चट्टान के टॉप तक पहुँचने में कम से कम 10 घंटे का समय लगता है। जून से सितंबर के बीच में पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ हिल क्लाइंब और एडवेंचरस के लिए आते हैं। यह जगह नॉर्वे के हाईलैंड काउंटी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि पहाड़ के इर्द गिर्द कोई भी रेलिंग नहीं लगाई गई है ताकि लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का और रोमांच का लुत्फ उठा सकें। नंबर तीन, हुसैनी ब्रिज पाकिस्तान। हुसैनी ब्रिज पाकिस्तान के उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान में बना हुआ है। यह पुल कई साल पहले बनाया गया था। सालों पहले इस बने ब्रिज पर बैलेंस बनाकर भी चलना बहुत ही खतरनाक है। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत सारे पट्टे गायब हैं। हवा के तेज झोंकों से पटरियां हिलती रहती हैं। इतने सारे खतरों के बावजूद भी टूरिस्ट यहां एंजॉय और एडवेंचरस के लिए आते हैं। नंबर चार, एल कैमेंटो डेल रे स्पेन। दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता एल कैमेंटो डेल रे है। यह स्पेन के मलागा में दो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में लकड़ियों से बनाया गया चलने के लिए एक पैदल रास्ता है और यहाँ लकड़ी से बने इस फुटपाथ पर टूरिस्ट यहाँ ट्रैकिंग करके पहाड़ियों की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। गोल्ड हॉर्स नदी से 330 फुट ऊपर सबसे सक्रिय जगह पर बना यह रास्ता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस रास्ते को पूरा करने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी जगहों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी जगह पसंद आई आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना।